still drive me crazy. गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, कैसे हालचाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। हमारी बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा मैस है क्योंकि मैं मेरी किचन को क्लीन कर रही थी, तभी मुझे ख्याल आया कि आज के दिन को व्लॉग करना चाहिए। पहले मैं व्लॉग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग कुछ भी इंटरेस्टिंग तो करते नहीं है। फिर मुझे लगा कि हम लोग बोरिंग क्या करते हैं, वही शूट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी मैसी किचन को छोड़ के नहा के रेडी होके आई हूँ ताकि मैं प्रोडक्टिव फील करूँ, क्योंकि मैं व्लॉग करना तो शुरू कर देती हूँ पर देन जैसे दिन बढ़ता जाता है तो मेरी एनर्जी हो जाती है लो, फिर वैसे ही लेजी मूवी देख लेती हूँ या कुछ भी शो देख लेती हूँ या बुक्स पढ़ती हूँ, सो ऐसे ही मेरा टाइम पास हो जाता है। पर आज मैंने सोचा कि नहीं, हम आज के दिन को शूट करेंगे। सो यस, मैं रेडी हूँ। मैं अपने हस्बैंड को भी कह रही हूँ कि जाओ रेडी हो जाओ, बट ही इज़ नॉट रेडी। हमने चाय पानी पी लिया है, लॉन्ड्री को मैंने ऑर्गेनाइज किया है, ये ऊपर दो चार चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ हैंग करूँगी। सो ये हस्बैंड ऊपर लेके जाएंगे, ये वॉश करने के लिए बेसमेंट में जाएगी। और किचन की हालत बहुत अच्छी नहीं है, यूजली मैं इस समय पूरा क्लीन कर देती हूँ चाय पीते समय, पर आज नहीं किया है मैंने क्योंकि मैं तैयार होने चली गई थी। सो इसको क्लीन करेंगे। ओके, किचन को क्लीन करने में मेरा बहुत ज़्यादा समय जाता है क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा मील्स कुक हो रहे हैं और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कुक कर रही हूँ, लाइक एवरी अदर डे मैं कोई केक या बनाना ब्रेड या कुछ ऐसा बेक करती हूँ और फिर क्लीनिंग का काम या किचन का काम मेरा बढ़ जाता है। पर मेरी कोशिश होती है कि किचन हमेशा क्लीन रहे, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय स्पेंड करती हूँ मैं। आज उठ के हमने ऑलरेडी चाय पी ली है और चाय के साथ मैं कुछ नहीं खाती हूँ, हस्बैंड कुकीज़ खाते हैं तो उनको काफ़ी देर के लिए भूख नहीं लगती है, पर मैं अब काफ़ी हंग्री फील कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा मैंने मेडिटेट किया, मेरी क्लोज़ेट को क्लीन किया, नहाया और तैयार हुई, काफ़ी समय स्पेंड करके आई हूँ मैं अपस्टेयर्स। और अब बारी आती है ब्रेकफास्ट खाने की, सोचा नहीं है कि क्या खाएंगे और देखती हूँ क्या बनाती हूँ मैं। कल हमने लंच में खाया था सांभर के साथ राइस, वैसे मैं डोसा बनाना चाहती थी पर वो बहुत लंबा प्रोसेस है और मेरे पास इंस्टेंट मिक्स नहीं था, सो हमने राइस के साथ खाया पर बहुत मज़ा आया, कुछ डिफरेंट हो गया। डिनर हम लोगों ने स्किप किया, मेरे हस्बैंड ने एग्स खाए पर मैंने कुछ भी नहीं खाया। और आज लेफ्ट ओवर सांभर है, उसको हम यूज़ नहीं करेंगे, उसको हम स्टोर कर लेंगे फ्यूचर में खाने के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि इन दिनों हम राशन वाली चीज़ें कोई भी वेस्ट नहीं करें, कोई फूड वेस्ट नहीं हो, और इसलिए हम बहुत छोटे पोर्शन बनाते हैं, अगर ज़्यादा बन जाता है तो उसे स्टोर कर रहे हैं कि फ्यूचर में खा पाए। और देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगे। बाकी खाना ब्रेकफास्ट, बट यू वांट टू ईट, कैन आई बेक यू केक? मैं सोच रही हूँ कि अपने हस्बैंड को खिला के दम मोटा कर रहा कि जरूर क्वारंटीन के बाद बाहर जाए, लोग की रिकॉग्नाइज ना करें। आई एम फीडिंग हिम पिज्जा, पास्ता, केक विद फुल ऑफ बटर, feeding him his favorite sambar and mere agge pai ja rahe, main ragdi jaungi, ragdi aande to hi vahe, aalu de paronthe, gobi de paronthe, guys buy bitcoin, I'm buying bitcoin। ओके, तो आजकल के रूटीन में हस्बैंड का काम बन गया, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बन गए और जिससे भी बात करते हैं बस उसे कहते हैं इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। मेरे भी पीछे पे गया, सब दे पीछे पे गया, क्रिप्टो करंसी तो आन दे सारे, और मैंने लग रहा इतने भी इन्होंने ना काटा खा के बया ना, मैं आई डोंट नो, होप कि सारा कुछ सही जाए। ओके, सो मैं कोई ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी में हूँ। ओ लाला जी तो बिजी है, तू इधर बने दे वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट है, टीवी पे भी वही लाएगा, लैपटॉप पे भी, फोन पे भी, इज क्रेजी गाय। हस्बैंड पता है कैसे हैं, अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं ना, वो चीज़ के पीछे उदों तक नहीं हटते जाते, इन्होंने लेसन नहीं मिलता कोई लेसन, इन्होंने इतने ज़्यादा लिया। और वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बहुत प्यारी चीज़ के पीछे हाथ धो के पड़ेंगे, प्यारी चीज़ के नहीं पड़ते ये पीछे, और लल्ली पल्ली चीज़ों के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो या वन ऑफ देम इज, हाँ वैसे बहुत डरते सही है ना कहावत, आपने सुनी लिया उन्होंने क्या कहा है, ये वेला दिमाग शैतान का घर का बंदा है, इन्हू ना किसी भी पास से ला लो, तो ही शैतानी वाले पास से आप लगा सकते हैं इनको। सो मैं और हिम्मत है इनको सीधे पास से लगाते रहते हैं कि डैडी काम डाउन, डैडी काम डाउन, दैट्स टू मच डिस्कशन अबाउट डैडी, वी हैव टू क्लीन नाउ। पर देखते हैं, पहले कुछ कुक करने के लिए रख देते हैं, क्लीन करते हैं, देखते की करते हैं यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी गंदी किचन में, नॉट गंदी, मैसी
सो सबसे पहले हम हमारे डिशवॉशर को खाली करेंगे जो हमने रात को भरा था, जो आधा खाली हो चुका है, और उसे करेंगे एंड ये सारी चीजें उसमें लोड कर देंगे ताकि ये एरिया क्लीन हो जाए. लेट्स डू दैट. So I found some veggies in my fridge, leftover. So पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, पटेटो है, बैंगन है एंड मशरूम है. मैंने सोचा थोड़ी सी मिक्स वेज बना लेती हूँ और इसे हम तड़का लगाएंगे और परांठे के साथ खाएंगे. और मस्त लंच का इनका टाइम हो चुका है. सो अपनी सो इस सब्जी को हम कहेंगे क्रिप्पा सब्जी. एक्चुअली मिक्स वेज कह देंगे पर मैं मिक्स वेज का मेरा तरीका बिल्कुल अलग है. पर मैंने आज क्या किया है, जो भी फ्रिज में सब्जियां थी उनको ख़त्म करने के लिए मकान ली ये किया है क्योंकि फिर वो बेचारी पड़ी रहती है और मैं नहीं चाहती कि फूड बिल्कुल वेस्ट हो. पर मुझे लग रहा है कि अच्छी बन जाएगी. इसको ना मैं थोड़ा खट्टा सा बना दूँगी अमचूर डाल के. सो क्या लग जाएगी ये सब्जी हमारी और अब ये कुक हो जाएगी जल्दी क्योंकि मैंने इसमें आलू भी बहुत छोटे छोटे डाले हैं कि जल्दी कुक हो जाए और हमारा रुक लंच हो जाए. सो एक हाथ से मिक्स करना बहुत मुश्किल है. मैं कैमरे को रख के मिक्स कर लूँ पहले सब. सो या क्रिप्पा सब्जी को ढक देते हैं थोड़ी देर बाद खाएंगे. तो हमारी क्रिप्पा सब्जी तैयार हो चुकी है पर इसकी शक्ल काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे. मैं चूट बोलना मैं और स्वाद भी अच्छा है और मैंने इसमें थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है. अब बनाएंगे परांठे. मेरे पति को परांठे बहुत अच्छे लगते हैं और मैंने आपको अर्लियर बताया हम उनको इतना मोटा कर देंगे कि बाहर जाओगे तो पहचान नहीं होगी. ओके सो हस्बैंड ने खाना खा लिया है. मैं खाऊंगी सब्जी के साथ रोटी सुक्की. इस पर कुछ नहीं लगाऊंगी पर मैंने हस्बैंड को परांठा दिया था और हिम्मत भी परांठा खाएगा और उनका कहना है कि सब्जी अच्छी बनी है. सो खाने के बाद हम किचन को रेस्ट क्लीन करेंगे. ऑलमोस्ट किचन क्लीन ही है अब. ओके सो डन विद द मील. अब अच्छा पेट भर चुका है. किचन को मैंने वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि मैं थोड़ा यहाँ पे बैठ के बुक पढ़ने वाली हूँ. सो बुक जो मैं शुरू करने वाली हूँ वो है वर्क पॉज एंड थ्राइव. और हस्बैंड अपना समय स्पेंड करें अपनी यूजुअल चीज़ पे और इसके साथ मैं देख रही हूँ कोई मूवी जो भी टीवी पे आ रही है जो मुझे अट्रैक्ट करती है वही देख रही हूँ. और ये आई थिंक स्काई मूवीज़ पे आ रहा है कोई मूवी जो मुझे अच्छी लग रही है. पर पता नहीं स्काई मूवीज़ वाले स्काई मूवीज़ पे दिख नहीं रहा है कि कौन सी मूवी है, नाम नहीं पता मुझे. और या कोई मूवी देखूंगी आई डोंट नो वो देखूंगी या कौन सी. और साथ में ये बुक पढ़ने शुरू करने वाली हूँ मैं और हम लोग ऐसे ही समय स्पेंड करेंगे एक घंटा. उसके बाद मैं पीने वाली हूँ कोई चाय शाय. हस्बैंड नहीं पीते. जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि चाय पियोगे वो कह रहे मैं चाय पीने वाला बंदा नहीं हूँ ये वो. सो अब मैं पूछना बंद कर दिया. मैं खुद ही बना के पीऊँगी अपने लिए और या ये मेरा रूटीन होने वाला है उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं. ओके सो ज़्यादा देर आराम से नहीं बैठ सकती हूँ मैं तो मैंने क्लीनिंग करने का डिसाइड किया. सो मैंने जाके क्लीन की है काउंटर्स, काउंटर टॉप्स एंड कैबिन डोर्स. और उसके बाद हेयर देयर क्लीनिंग करके आई फील अ लिटिल गुड. ओके सो मेरी किचन क्लीन है. ये गार्बेज वाला बैग इसे इग्नोर करें. एंड मैंने आज
आपने ये लैंप्स को भी क्लीन किया है, उसको भी किया है और वैक्यूम भी कर दिया है। डैडी को जो काम दिया था वो अजय भी उतना ही पड़ा है। डैडी इज़ वेरी बिग काम चोर गाय। सो मैं अपने लिए चाय बनाने वाली हूँ। हमेशा की तरह डैडी ने अपनी लत फंसा ली है वेज। डैडी चाय पिए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डैडी को हमारी चाय ही पीनी है। लाइक अपना अलग से कप नहीं चाहिए उनको, मेरे कप में से आधा चाहिए। सो वो मुझे भी पूरा नहीं पीने देंगे। आप पता नहीं उन्होंने की है प्रॉब्लम। सो या यही होगा अब, क्योंकि उन्होंने मेरे जो पीनी है। सो या मेरी चाय कट हो गया डैडी, बट सर ही जस्ट ड्रिंक दिस मच। इंग्लिश टी आओ। अरे तो कोई मठी मठी रख दे, खाली बना दी चंगी लगदा। बहुत आज तेरे लिप्स आज लाजवाब। अपन ने डायरी की वीडियो बनाई है, नहीं देख दे की करने ना नहीं गवा। मैं तो पता कर लो कैमरा क्या मैं क्या थोड़ी वीडियो बनाई जानी देख दे तू की करने आ। मैं इग्नोर कर दूँगा यही पादे ना यही तो डा। ओके सो समय हो गया हम सबका लूडो खेलने का। हिम्मत को सारे रूल्स पता हैं, मुझे पता नहीं थे, मैंने पहली बार ही खेला है। हम दोनों को रूल्स सिखाए हैं ए बंदे ने। सो यस होने की बारी होनी। मीमी विच रंग विच कलर यू मी एंड मीमी वी गोना मेक अ टीम एंड वी गोना फाइट अगेंस्ट डैडी। वेट यू मीन या गाइस मीमी लेट्स डू अ डील सीक अ डील stick together forever stick together forever okay so yes hum dono stick together karenge forever and gonna cheat fit so ab bari aate hai family ludo khelne ki jaise aapne dekha कितनी बहस बसाई है के बाद हमने डिसाइड किया कि हम कौन कौन से कलर्स लेंगे, पर फिर भी लड़ाई होगी और दिस फैमिली लूडो टाइम इज नॉट सक्सेस। सो सम टाइम इस फैमिली में ये भी होता है और इसकी वजह है हिम्मत हिम्मत हिम्मत। सो डिनर के लिए पिज्ज़ा बनाने वाली हूँ मैं। पिज्ज़ा डो के लिए मैंने डो बनाया है, पर इसमें अगेन यीस्ट नहीं है मेरे पास। मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। मैंने पढ़ा है कि बेकिंग पाउडर डालते ही आपको बेक कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ वो इतना फ्लफी बनता नहीं। लेट्स सी इस बार कितना कैसे बनता है। पिछली बार तो अच्छा क्रस्टी ही बना था, लाइक थिन क्रस्ट जैसे। सो टॉपिंग के लिए हम डालेंगे अनियन, हस्बैंड के लिए अनियन, मशरूम, जिंजर चाहिए उनको, पेपर एंड टमेटो डाल रही हूँ मैं, और उन्हें कोरिएंडर भी चाहिए। सो ये वाला लैक्टोज फ्री मोज़रेला चीज़ यूज़ करने वाली हूँ मैं। यस सो मैंने स्मॉल साइज़ पिज़्ज़ा बनाया हिम्मत के लिए, पर वो कह रहा मैं दो ही स्लाइस खाऊंगा। तो ये नन्नू से पे मैंने बेजल रख दिया, तो बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा मार्गरीटा बन गया है। ये उतना फ्लफी हुआ नहीं है जैसा होना चाहिए, बट फिर भी पिछली बार से बेटर है। और अब हस्बैंड का पिज़्ज़ा मैंने अंदर रख दिया है फुल ऑफ सामान पर के। एक्चुअली ये फ्लफी हो रहा है, आई एम हैप्पी। सो पिज्ज़ा इज़ रेडी, दिस इज़ फॉर हस्बैंड। इस बार मैंने ज़्यादा अनियन डाले क्योंकि उन्हें अनियन अच्छे लगते हैं। उनका रिव्यू नहीं मिला अभी क्योंकि पिज्ज़ा बहुत गर्म है। सो रिव्यू की वेट करेंगे हम। ओके तो दिखते नहीं पे। ओके दो रिव्यू जरा। सो दिस इज़ माई पिज़्ज़ा। इसमें सिर्फ मशरूम, पेपर एंड टमेटोज़ हैं। मैंने ऊपर बेजल स्प्रिंकल कर लिया है और चिली फ्लेक्स, क्योंकि मुझे चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं इसे थोड़ा कूल डाउन होने दूँगी, देन मैं इसका मज़ा लेने वाली हूँ। सो आई एम डन विद माई किचन एंड शाइनी बल्ब। सो हालत इज़ काइंड ऑफ फनी और दिन ख़त्म हो चुका है। मैंने किचन को क्लीन कर दिया है। हम लोग क्राइम शो देख रहे हैं, पता नहीं कौन से चैनल पे, और उस वहाँ पे पति ने अपनी पत्नी को मार दिया और उसने रीज़न दिया कि वो अच्छी कुक नहीं थी और ज़्यादातर कुकिंग उससे करनी पड़ती थी। ऐसे चीप रीज़न दिए हैं उसने। ओके सो आई होप आपने आज का व्लॉग इन्जॉय किया होगा। किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मैं मिलूंगी जल्दी ही नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग। वी गाइस कैन डू एनी थिंग।
But all you have to do right now is stay home and stay safe. I love you guys so much. Bye.